अधिवक्ता समाज के साथ सबसे बड़ा विद्रूपता ये हो गया, उनके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं। लॉकडाउन में वो दलाली के शिकार हुए, जोर में मुनासिब काम नहीं हो रहा, सबको नहीं मिला। सबसे ज्यादा कोई प्रभावित हुआ तो वकील हुआ। कोरोना काल में जो लॉकडाउन लगाया गया उसमें अगर सबसे ज्यादा कोई प्रभावित हुआ तो वकील हुआ। और इसमें इतने दिनों तक, करीब एक साल तक, लिटिगेंट को त्वरित न्याय पाने में बहुत पीछे रहा, बहुत दुविधा हुई, चाहे नहीं मिला। जो लोग जेल में थे उनको बेल पाने में दिक्कत हो गया, वो बहुत दिनों तक जेल में रह गए। और जिस जो काम कम पैसे में हो सकता था लॉकडाउन के दौरान, उनको वकील लाने में चाहे जो भी करने में ज्यादा खर्च करता था, उनको आर्थिक भी क्षति हुई, समय की क्षति हुई, काम का नुकसान हुआ, हर तरफ से। न्यायाधीश के बैठने का जो इजलास और अधिवक्ताओं के काम करने का जगह है, इसमें पर्याप्त दूरी यानी 2 मीटर से ज्यादा की दूरी, जब से न्यायिक व्यवस्था हिंदुस्तान में चल रही है तब से लेकर आज तक, बावजूद इसके कोरोना संक्रमण के नाम पर सोशल डिस्टेंस का बहाना कर न्यायालयों को पूरी तरह ठप कर दिया जाता है। नैसर्गिक न्याय की मान्यता के, और यह सिर्फ और सिर्फ कोरोना के बहाने काम नहीं करना और बिना काम किए वेतन लेना, इस प्रवृत्ति का परिचय। सबसे महत्वपूर्ण विषय है, न्यायिक पदाधिकारियों को यह पता है कि डिजिटल वर्क करने के लिए कोई वर्चुअल प्लेटफॉर्म का सिस्टम कोरोना काल के पहले या कोरोना काल के दौरान खड़ा नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके वर्चुअल कोर्ट के नाम पर इन लोगों ने अपने वेतन लिए जाने को जस्टिफाई करने के लिए वर्चुअल कोर्ट का बहाना किया। वर्चुअल कोर्ट में कुछ भी खास काम नहीं हुआ। अधिवक्ता समाज के साथ सबसे बड़ा विद्रूपता ये हो गया, उनके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं था। और ये समाज स्वाभिमानी है, किसी के पास मांगने नहीं जाता है। बार कौंसिल, बिहार स्टेट बार कौंसिल या अन्य राज्यों की जो बार कौंसिल है, उनके पास जो फंडिंग का कोई ऐसा साधन है नहीं, लेकिन जो कुछ भी उनका थोड़ा बहुत वित्तीय स्थिति है उसमें उन्होंने अपने स्तर से प्रयास कर करके थोड़ा बहुत मदद किया, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरा के समान था। सेम सिचुएशन बीसीआई का था। बीसीआई ने यहाँ के अधिवक्ताओं को, हर अधिवक्ताओं को, हमारे जो बीसीआई के चेयरमैन साहब हैं मनोज कुमार मिश्रा जी, ने अपने स्तर से पहल कर कर लोगों को मदद करने का प्रयास किया, लेकिन वो इस कदर मदद का नहीं था कि सभी लोगों को एक 7-8 महीने का लंबा पीरियड चला है, सभी लोगों को उचित भोजन मुहैया हो सके, उचित भरण पोषण का साधन खड़ा किया जा सके उनके लिए। उच्चतम न्यायालय द्वारा बार बार रिटेट किया गया है, डिसीजंस दिया गया है कि 7 साल से छोटे छोटे जो 7 साल की सजा वाले जो मामले हैं, डिसीजंस भी आया है कि उसमें पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। लेकिन लॉकडाउन के पीरियड में भी देखा गया कि एक तरफ जहां सारी स्थिति बनी हुई थी कि लोगों को राहत देना है, दूसरी तरफ न्याय पाने के लिए लोग तरस गए। कस्टडी में जो लोग जेल में बंद थे छोटे छोटे मामलों में, उनका बेल होना मुश्किल हो गया। यद्यपि हमारे यहाँ के जुडिशियल अफसर्स बहुत अच्छे हैं, उन लोगों ने मदद किया कि छोटे छोटे मामलों में अगर लोग लेके आए पकड़ के, तो उनको रिमांड नहीं किया, कहा कि छोड़ दीजिए, पीआर पर छोड़ दिया, अदरवाइज कर दिया। लेकिन उसके बावजूद जो पहले से चले गए उन लोगों को न्याय नहीं मिला। जो लोग बंद थे उनको निकलने का कोई साधन नहीं था, कस्टडी में चले गए थे, सिविल सूट सारे पेंडिंग पड़े रह गए, आज भी रेगुलर नहीं हो पाए हैं। हाई कोर्ट की स्थिति छुपी नहीं है, एंटीसिपेटरी बेल की सुनवाई अभी भी नहीं हो पा रही है, लंबे समय से पड़ा हुआ है। रेगुलर बेल में थोड़ा बहुत मामला का सुनवाई हो रहा है, लेकिन लंबा जाम लगा हुआ है। क्लाइंट्स रोज हम लोगों को, जो लोग भी अच्छे प्रैक्टिशनर्स हैं, जिन लोगों के पास काम करने की क्षमता है, उन लोगों को रोज लोग आकर के करते हैं कि आप लोग कुछ कीजिए। आज की भी स्थिति वही, अभी यहाँ की बहुत रेगुलर अभी हो नहीं पाया, थोड़ा बहुत लोगों को मिलना शुरू हुआ है।
कि अधिवक्ता समाज हमेशा से उपेक्षित रहा है। हालांकि आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद आज तक अगर आप देखिए तो गरीब और मजलूमों की लड़ाई अधिवक्ता समाज ही लड़ता है। हम मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, कोर्ट में कौन आता है? कोर्ट में कोई बाहुबली नहीं आता है, धन पशु कोर्ट में नहीं आते हैं, पावरफुल लोग कोर्ट में नहीं आते हैं। कोर्ट में आते हैं गरीब मजलूम, जिनको क्या किसी ने जमीन कब्जा कर लिया, जिनको किसी ने डिस्पोजेज कर दिया, जिनको किसी ने बिना बात को मार दिया, पीट दिया, उसको एक्सटॉर्ट कर रहे हैं, उससे रंगदारी वसूल रहे हैं, जीना दुभर कर रखे हैं, वैसे लोग आते हैं। उनकी लड़ाई अधिवक्ता समाज लड़ता है, उनकी लड़ाई अधिवक्ता समाज लड़ता है, उनके लिए जीता है और न्याय दिलाने का प्रयास करता है कि उनको न्याय मिल सके। लेकिन इस पूरे पीरियड में सारी स्थितियाँ रिमड हो गई हैं। अब लगता है हम आशा करेंगे, अपेक्षा करेंगे कि हमारे जो भी इस पेशे से जुड़े हुए, न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए हमारे न्यायाधीश महोदय लोग हैं, हमारे नेता लोग हैं, वकील साहब, अधिवक्ता समाज से जो लोग भी प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, सभी लोग इस स्थिति को संभालने का प्रयास करेंगे, पटरी पर लाने का प्रयास करेंगे ताकि आमजन को सहज, सुलभ, सस्ता न्याय मिल सके। सबसे बड़ा समस्या वैसे क्लाइंट के लिए सबसे ज़्यादा समस्या खड़ी है जिन क्लाइंट का जो है इम्प्यूज्ड ऑर्डर के तहत जो है, जैसे इंजंक्शन का मैटर हुआ, अर्जेंट मैटर के तहत आता है, वैसे मैटर को जो है सॉल्व आउट करके उनको जो है जो भी प्रॉब्लम था उनका जो है उसको रोका जा सकता था। कोर्ट के नहीं खुलने की वजह से वो जो है काफ़ी जो है हरास हुआ, उनकी ज़मीन को भूमाफियाओं के द्वारा या जो भी उनके जो सामंतवादी विचार रखने वाले या जो भी उनके एनिमी कह सकते हैं, जो भी लोग उन लोगों ने उनकी ज़मीन को जो है लॉकडाउन और न्यायालय पर नहीं चलने के कारण से और उसका नजायज लाभ लेकर उसकी ज़मीन को जो है हड़प लिया। अधिवक्ता के पास कोई एक्स्ट्रा सोर्स अपने एडवोकेसी के अलावा नहीं है। बहुत लोग ऐसे लोग की संख्या ज़्यादा है जो लोग जो है अपने पैसा पर ही डिपेंड होकर के अपने जीवन का जो उपार्जन अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, वैसे अधिवक्ताओं को बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अधिवक्ताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि दो अधिवक्ता समाज को दिशा देने का काम करते हैं, एक मैसेज देने का काम करता है, वो उसका सुनने वाला कौन है, जो दूसरे को न्याय दिलाए उसको न्याय दिलाने वाला कौन है। तो पूरे लॉकडाउन में जो है अधिवक्ताओं की माली स्थिति वो बहुत अच्छा नहीं रही और वैसे लोग जो अपने पैसे पर ही पूर्णतः डिपेंडेंट थे उन लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ऐसे ऐसे बहुत सारी समस्याएँ जो थी जो एडवोकेट और क्लाइंट दोनों को जो है इसको झेलना पड़ा। और लॉकडाउन में वकीलों की स्थिति अच्छी नहीं थी क्योंकि काम नहीं मिला, इसलिए वकील को पैसा नहीं मिला। जो काम मिलता है, वकील काम करता है तो वकील को फीस मिलता है, वकील की स्थिति अच्छी होती है। लॉकडाउन हो जाने से वकील को काम नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, इसलिए वकील की स्थिति अच्छी नहीं है। दूसरी बात कि लॉकडाउन में जब लॉकडाउन टूटा है उसमें भी दो तीन महीना कुछ लोगों को ही काम मिला, बहुत लोगों को नहीं मिला। बहुत वकील फ्रॉम हेम टू माउथ हो गए और वकील को सुनने वाला कोई नहीं। लॉकडाउन में दो ही आदमी को सुना गया जो बॉम्बे में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, केरला में, गुजरात में जो लेबर थे उन्हीं के लिए भारत सरकार ने सोचा, बिहार सरकार ने सोचा, लेकिन वकील को किसी ने नहीं सोचा, किसी ने नहीं पूछा कि आप कैसे कैसी दनिया रहते हैं। स्थिति यह है कि वकील किसी से कर्जा नहीं ले सकता है, वकील दुकान से उधार नहीं मांग सकता है, वकील किसी से पैसा लेता है लेने में उसको लज्जा होती है, इसलिए वकील की स्थिति अच्छी नहीं थी। ऐसी बात है कि वकीलों को अपने पहले से जो कमाए धमाए थे उसे अपना जीवन का बन गया। ऐसे लॉकडाउन वकीलों के लिए एक तरह समझिए कि बहुत बड़ा ग्रह, एक ग्रह था, उस ग्रह को हम लोग 10 महीना पार किए हैं। जिस तरह समुद्र को पार करने में कष्ट होता है उसी तरह हम लॉकडाउन को पार करके सरकार को मदद किया है। करीब 10 महीना लॉकडाउन बाधित रहा काम कोरोना के लेकर, बहुत आर्थिक क्षति उठानी पड़ी हमारे सदस्यों को, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लोग जो है सो आर्थिक स्थिति और बहुत सी बात है जो
बहुत पीड़ादायक रहा, क्योंकि रोज कमाने खाने वाले लोग हैं और लॉकडाउन के वजह से सारा चीज बंद हो गया। बहुत लोगों को जो है सो कुछ लोगों को खेत बेचना पड़ा, कुछ लोगों को ऑर्नामेंट्स बेचना पड़ा, कुछ लोगों को कर्ज लेना पड़ा, किसी तरह जो है सो अपने माल बोचों को आया। अब उसको वर्णन कितना किया, क्या कहीं से कोई सहायता मिली, किसी कोई किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं है हमारे सदस्यों या हमारे जो जिनके साथ आप काम करते हैं वकील साहब के साथ, उनकी तरफ से उनका व्यवहार कैसा था इस बीच? उन लोगों का भी व्यवहार ठीक था, लेकिन जो हमारा हाल था उन लोगों का हाल था, वो लोग भी 10 महीना जो है सो उन लोगों का भी स्थिति यही थी, तो वो बेचारे क्या करे, हमारे वकील साहब लोग भी यही थे, हम लोग भी यही थे, हमारे जो टाइपिस्ट लोग है वो लोगों का भी सबका एक ही हाल था। फिजिकल में तो थोड़ा बहुत काम हो जाता है, वर्चुअल में कोई काम नहीं होता। आम पब्लिक जो है सो ही वर्चुअल और फिजिकल में जो है तबाह हो रहा है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, सबको गड़बड़ है, दुनिया भर का केस पेंडिंग हो गया है, गवाही नहीं हो रहा है, जबकि आप न्यायालय की स्थिति को देख रहे हैं कि यहाँ कोई आदमी आपको पूरे न्यायालय में घूम जाइएगा, एक आदमी भी मास्क वाला नहीं मिलेगा, और जहाँ गवाही हो रही है या कोर्ट चल रहा है वहां भी जाकर जरा देख लीजिए आप, वहां पर कोई मास्क वाला आदमी नहीं मिलेगा, अब कोई पूछने वाला भी नहीं। हाईकोर्ट का जहां तक स्थिति है तो भगवान मालिक है, 6-6 महीने से बेल लोगों का पड़ा हुआ है, गरीब पुलिस पकड़ कर ले आती है यहाँ, उसके बाद भी वहाँ बेल का सुनवाई नहीं है, सब दशा हो रहा है, जबकि वहाँ पर अधिवक्ताओं और हाकिमों के बीच में 15 से 20 फीट की दूरी बनी हुई है, आम पब्लिक का इंट्रेंस नहीं है, वहाँ भी नहीं काम हो रहा है वर्चुअल के चलते, आम आदमी जो है इसमें पीछे जा रहे हैं, खास करके मिडिल क्लास लोगों को बहुत कष्ट है। सरकार ने लागू किया है शराबबंदी कानून, उसमें जो लोग आदत से लाचार, जो गरीब मजबूर लोग हैं, वैसे लोग ही पकड़े गए हैं, और उन सबों को जेल में रहने के नाम पर काफी उनका शोषण हुआ है, और इस लॉकडाउन में वो दलाली के शिकार हुए। कुछ एक अधिवक्ता जो लोग ही अधिकांश मामलों में इसको कंडक्ट किए हैं और उनका दोहन किए हैं, उनको व्यक्तिगत बंध पत्र पर छोड़ा जाने का निर्देश था, उसमें भी उनसे अवैध रूप से उगाही की गई है। यहाँ जो रेगुलर कोर्ट कभी नहीं होता है, और जब कोर्ट नहीं होता है तब पार्टी हम लोग को पैसा नहीं देती है, और बार काउंसिल से जो पैसा मिला है सम्मान 2000 पर व्यक्ति को मिला है, प्लेयर को, और यहाँ जो है ऑफिस में पेशकार का धांधली ज़्यादा है, जहाँ 10 रुपये पेशकारी देना है वहाँ 20 रुपये लेते हैं, जहाँ अफिडेविट का 20 रुपये था वहाँ का लॉकडाउन में इन्होंने लोगों ने 200-200 रुपये लिया। आज के डेट में भी जो अपडेट होता है उसमें भी उन लोगों को 100 रुपये चाहिए, इस तरह के काफ़ी समस्या है। अगर हम कोर्ट नहीं करेंगे, बहस नहीं करेंगे, तो पार्टी हम लोग को पैसा कहाँ से देगा। 3 महीना तो कोर्ट कंप्लीट बंद रहा, 2 जून से कोर्ट खुला, वो थोड़ा वर्चुअल है ना, ऐसे उस पीरियड में बहुत ऐसे जिसको बाहरी इनकम थी, जिसके बच्चे बाहर थे या कोई और आमदनी का स्रोत था, वो लोग तो सही थे, लेकिन जिनकी नहीं थी, उनके बच्चे का इलाज नहीं हुआ, बहुत सारी कठिनाइयां आई, खाने खाने के लिए मोहताज हो गया लोग, कुछ लोग ऐसे थे जिनका पत्नी का चाहे बच्चा जो भी बीमार रहा, इलाज नहीं हुआ, अनुदान उठाने के लिए मजबूर हो गए, और कुछ लोगों की परिस्थिति ठीक रही, इस तरह से बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना वकील को करना पड़ा था, है ना, उस क्रिएट में कोई वकील के सहायता के लिए किसी ने आगे नहीं आया, न सरकार को इसके वकीलों की तरफ कोई ध्यान गया, और पब्लिक भी काफी, पब्लिक को अपने अपने घर रहा, उन लोग भी कई वकील का ऐसा पैसा है कि काम करेगा तभी उसे आमदनी होगी। पूर्वी चंपारण न्यायालय में जिला जज साहब प्रतिदिन बज रहे, और
उनके जूनियर जो मजिस्ट्रेट लोग हैं वो लोग अल्टरनेट करके बच रहे हैं क्यों? तो सीजीएम साहब प्रतिदिन बच रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ रहा है आप लोगों को, क्लाइंट को क्या फर्क पड़ रहा है? क्लाइंट के फर्क को लौट कर जा रहा है, काम हैम्पर हो रहा है, वर्चुअल में मुनासिब काम नहीं हो रहा है, चूंकि प्रत्येक लॉयर के पास में उसका व्यवस्था नहीं है, उनसे काम कर वही सक्षम नहीं है, कोई बहस सक्षम नहीं है, वर्चुअल में बहस में सक्षम नहीं है, उनको सिविल का यदि बहस है तो एग्जीबिट देखना है, एग्जीबिट हाकिम नहीं देख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे वर्चुअल में। लॉकडाउन में बहुत समस्या थी, ऐसे हर गाड़ी घोड़ा सब बंद हो गया, जो लोग देहात से बिलोंग करते थे वो लोग अपना डेरा डंडा बंद करके अपने गांव चले गए, टाउन से उनको संपर्क आवागमन रुक जाने के चलते संपर्क नहीं हो पाया। यहाँ कचहरी में मौलिक और बेल का काम हुआ, जी बेल का काम हुआ, तो जो लोग मोतिहारी में रहते थे, जो लोग मोतिहारी में एस्टैब्लिश कर चुके थे, उन्हीं लोग गिने चुने लोगों के पास बेल कराने के लिए लोग आते थे, भी ऑनलाइन बेल था, सब कोई सक्सेस नहीं हो पाया, जो लोग इस सिस्टम को फॉलो किए वे लोग यहाँ बेल कराते थे, बाकी लोगों की स्थिति बहुत बद से बदतर, कैसे वे लोग जिंदा रह गए यह कहने वाली बात नहीं। क्या किसी तरह का कोई सहायता मिला वकीलों को? भी एक बार इन्फॉर्मेशन मिला कि हाँ ऐसे ऐसे 2,000 रुपया करके मिल रहा है, तो सबको नहीं मिला, वो भी 25% लोगों को मिला। सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई अनुदान नहीं मिला, कारण के लोग मांग करते रह गए सरकार से कि हम लोगों को कुछ अनुदान दिया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई अनुदान नहीं मिला। संघ के अध्यक्ष सेक्रेटरी सदस्य जो लोग इस बात को समझे कि हाँ अधिवक्ताओं के लिए जो जूनियर अधिवक्ता है उनके पास बड़ी समस्या है, तो वो लोग अपने मत से 1,00,000 दे 5,00,000 दे, वही लोग अपने मत से जो निडिक अधिवक्ता थे सबसे पुअर थे उन लोगों को दिया गया है, जनरल लोगों को नहीं मिला। मेरा केस 2012 से चल रहा है, इस लॉकडाउन में जब से लॉकडाउन लगी है तब से मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ, कोई कार्य नहीं हो रहा है, वकील साहब अपना फीस ले रहे हैं, अगला डेट बता रहे हैं, फिर अगला डेट को मैं जा रहा हूँ तो वो कोई नियम कानून बताते हैं कि जज साहब नहीं बैठते हैं, और फिर मुझे डेट दे दिया जाता है और कोर्ट फीस ले लिया जाता है, और मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ, मेरे केस में क्या हो रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या बोलते हैं वकील साहब, क्या बोलते हैं, बहस क्यों नहीं होता? बस लॉकडाउन के वजह से पहले तो बता रहे थे कि कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन अब बताते हैं कि कुछ हो रहा है, लेकिन वो भी तरीके से नहीं, जैसे पहले हम लोगों का कोर्ट चला करता था वैसा अभी नहीं चल पा रहा है। ये वर्चुअल कोर्ट क्या होता है आपको मालूम है, कैसे सुनवाई होती है उसमें? ना हमको कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ वकील साहब जो कहते हैं वही हम सुन लेते हैं, और हमसे फीस लेते हैं तो हमको दे देते हैं। आप बहस में नहीं जाते हैं, गवाही होती है आपके केस में? जी ना कुछ नहीं, हमको पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सिर्फ जाते हैं वकील साहब जो दो चार लाइन समझाते हैं समझ लेते हैं, अब पैसा जो मांगते हैं वो हम दे के चले आते हैं। लॉकडाउन पीरियड में फटाफट चलाना मुश्किल हो गया था, साहूकार से रिश्तेदार से लेकर के उधार पर करके अपना काम चलाया गया, तो कर्जा वापस कैसे होगा? कर्जा वापस जब अभी सुन रहा है तो काम धंधा चलेगा, बल्ला रकड़ कमाएगा। कितना कमा लेते हैं यहाँ की आमदनी? बस वही 500 रुपए का लगभग है। इसी ज्यादा नहीं। कब से दुकान बंद थी, कितने दिन तक? साल भर सर मोटा मोटी बंद हो गया, 1 महीना से खुला है, फरवरी से बंद है। फरवरी या मार्च से? वही मार्च हुआ है। तो क्या दिक्कत हुई आपको? दिक्कत सर यही हुआ कि हम लोग का हालत खराब है, खाने पीना मर गए, अब 1 महीना से खुल रहा है तो दाल रोटी चल रहा है। क्या गांव में खेती वेती है, कोई जानवर वानवर पालते हैं? कुछ नहीं है, बस कमाना है खाना। तो सरकार की तरफ से जो अनाज मिला था, पैसा मिला था, वो आप लोगों को मिला? नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं सर, एक पैसा भी नहीं मिला, और सबको मिला है, देखते थे बैंक से खाता था। लाल पीला राशन कार्ड वगैरह है आपके पास? राशन कार्ड तो है सर, लेकिन इस वर्ष से नहीं मिला। हाँ
तो फिर घर हम लोग को कुछ नहीं दिया, तो फिर घर परिवार कैसे चला? कुछ बस कुछ? इसी तरह कर्जा पैसा लेकर दाल रोटी चल रहा था, ठेला पर कुछ लड़का बेचता था, उसी से समय काटा। अब खुद खुल गया तो अब हम लोग कोर्ट में आए, दुकान खुल रहे। तो अभी बिक्री ठीक पहले जैसा नहीं हुआ? नहीं है सर, इसी तरह दाल रोटी चल रहा है बस, हो गया। कोर्ट में दुकान है, लॉकडाउन में बंद था, स्थिति बहुत बुरा मतलब हो गया था। कैंपस में कोई बाहरी लोग आता था नहीं, बेटी के गहना बेचते हम लोग खाए, चार महीना बहुत हम मुसीबत झेले हुए थे, बहुत बुरा स्थिति लोग था। एक टाइम खाना बंद रहता था, दूसरे दिन सोचते थे हम खाना कैसे बने। कोर्ट परिषद में मेरा घर द्वार भी नहीं है, जमीन जगह भी नहीं है, बहुत बुरा स्थिति काटे हैं हम परिवार। तो बेटी के कान में गाना था तो हम लोग राशन पानी किए, राशन पानी धार गए, मांगने के लिए गए, राशन धार नहीं दिया। तो बेटी के गाना था तो बेच कर हम लोग दाल चावल आलू किए, तो हम लोग बना खाना खाए।